गाइस, मेरा नाम शोजब है। मैं आप सबको वेलकम करता हूं अपने गार्डनिंग चैनल पर। और आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कोलियस प्लांट्स। और आज मैं आप लोग को दिखाऊंगा कोलियस प्लांट की केयर कैसे करेंगे और इनको जो है कैसे इनको मल्टीप्लाई कटिंग लगा सकते हैं और इनकी कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं। तो आइए चल के देखते हैं कोलियस प्लांट के बारे में। एक कोलियस प्लांट है, ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसके अंदर बहुत सारे शेड्स आते हैं और ये मेरे पास एक वैरायटी है। ये मैंने कटिंग के थ्रू ग्रो की थी और ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। इसकी बहुत ही ज़्यादा कम केयर की ज़रूरत होती है। तो ये देख सकते हैं आप, ये कितना खूबसूरत प्लांट है। और ये मैंने भी कटिंग के थ्रू ग्रो किया था। अब ये बहुत बड़ा हो गया है, इतना बड़ा हो गया कि इसके साथ जो मैंने प्लांट लगा हुआ था उसकी ग्रोथ कम होगी और उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी ये ग्रोथ करता है। और मैंने इसकी कितनी सारी कटिंग यहाँ से कट किए, यहाँ से हर जगह से मैंने इसकी कटिंग प्रो की है। अब देख सकते हैं नए शूट्स इसके दोबारा निकल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत पूरे गमले में फैल गया। आप देख सकते हैं जहाँ कम लगती है वहाँ पे देखें ज़्यादा ग्रीन है, जहाँ ज़्यादा धूप लगती है वहाँ पे ज़्यादा रेडनेस है। जो ऊपर के प्लांट्स हैं वो ज़्यादा रेड हैं और नीचे के ज़्यादा ग्रीन है। देख सकते हैं नीचे मैंने ऊपर कटिंग की है तो ये नीचे से निकला है तो इनके ग्रीन कलर आपको ज़्यादा दिख रहे हैं। और इसके अंदर बहुत सारी वेराइटी आती है और जो है मैंने और भी गमलों में इनकी लगाई है। आए चल के दिखाता हूँ इसकी कैसे कटिंग मैंने और भी लगाई है और इसकी वैरायटी के बारे में बताता हूँ जी। तो ये आप देख सकते हैं दो और वैरायटीज़ हैं, एक ये वाली वैरायटी है इसकी और एक ये वाली वैरायटी है। और जो मैंने इसको कटिंग की थ्रू ग्रो किया है और ये बहुत ही अच्छी तरीके से लग चुकी है कटिंग इसके अंदर और इसकी ग्रोथ अब कुछ दिनों में बढ़ जाएगी। ये वही वाली कटिंग है जो मैंने इससे पहले आपको दिखाया और इनके मदर प्लांट्स हैं वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे हैं जी। दोस्तों देख सकते हैं मैंने छोटे छोटे कप्स के अंदर भी इसकी जो है मज़ीद कटिंग्स लगाई हुई हैं और ये कितने भरपूर तरीके से ग्रो कर रही हैं। कुछ फेल भी हो जाती हैं ओवर वाटरिंग की वजह से, लेकिन काफ़ी सारी लग जाती हैं। तो आपको मैं मोटिवेट करूंगा और यही कहूंगा कि लगाएं, भले आप फेल हों लेकिन आप बार बार लगाते रहें, ज़रूर एक बार आप कामयाब हो जाएंगे। आप इसको कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल और सिंपल भालू मिट्टी लें और उसके अंदर इसकी कटिंग लगा दें। और जब इसके आपको लगे कि ऊपर की सरफेस जो है ड्राई होने लग गई है तो सिर्फ और सिर्फ तब इसको पानी दे दें। और अगर आप चाहते हैं कि आप किसी और पॉट के साथ अपने साथ नीचे जो है खाली जगह है तो उसमें भी आप ये पौधा लगा सकते हैं। ये जो है किसी और पौधे के साथ भी ये ग्रो करने लग जाता है। और देखिए आप इसको धूप पे भी लगा सकते हैं, इसके कलर शेड डिफरेंट होगा। आप दो कटिंग लगाएं, एक धूप पे लगाएं, आप खुद एक्सपेरिमेंट करें और एक जो है शेडी एरिया में लगाएं और देखें इनके कलर के क्या डिफरेंस आता है। जो धूप पे लगे होंगे वो ज़्यादा डार्क होंगे और जो धूप पे नहीं होंगे उनके कलर थोड़ा लाइट हो। ये देखें एक और मज़ीद वैरायटी है, बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है। पर्पल कलर का इसके शेड्स होते हैं, नीचे से इसका डार्क कलर होता है थोड़ा और ऊपर से थोड़ा इसका लाइट कलर हो जाता है। ये देखिए धूप पे कितना डार्क हुआ हुआ है। ये मैंने धूप पे लगाई इसकी कटिंग और ये कितनी डार्क हो चुकी है। और ये मैंने तीन कटिंग लगाई थी, बल्कि चार लगाई थी इसके अंदर कटिंग्स। और देखें कितनी ज़बरदस्त चारों की चारों ग्रोथ कर रही है। और ये जो है कितना ही खूबसूरत पॉट है, प्लांट है। और इसके देखें ये कलर कितना ही खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर इसका लग रहा है। तो ये आप ज़रूर लेकर आए नर्सरी से, अपने करीबी नर्सरी से ले आए। ये आमतौर पे हर जगह मौजूद होता है और बहुत इजी टू ग्रो है। इसकी जो ये लकड़ी है इसको कम से कम पानी दें, ज़्यादा ओवर वाटरिंग से ये अक्सर मर जाता है इसकी, क्योंकि ये जो लकड़ी, ये जो इसकी स्टेम है ये वुड नहीं बनती, ये सेमी वुड होती है। और जो है देख सकते हैं आप कितनी लाइट कलर है इसका, क्योंकि इसके अंदर पानी होता है। तो इसको कम पानी दिया करें और क्योंकि ओवर वाटरिंग वैसे ही टूट जाती है, गिर जाती है, जिसकी वजह से ये प्लांट मर जाता है। तो कम पानी दें इसको और जो है इसको आप इजी टू ग्रो है बहुत, और मैं इसको रेकमेंड करूँगा आप ज़रूर लगाएं। ये देखें आप एक और पॉट है, इसके अंदर भी मैंने कोलियस की कटिंग्स लगाई हुई है और ये कितना अच्छा ग्रोथ कर रहा है। ये लग चुकी हैं, धूप पे भी चल रही है और शेडेड एरिया पे भी चल रही है। ये लोग देख सकते हैं ये कोलियस के मेरे और भी प्लांट्स हैं, दो और लगे हुए हैं। इसके अंदर दो वैरायटी हैं और मैं इसकी टाइम टू टाइम कटिंग करता रहता हूँ और इसके नए नए शूट्स निकलते रहते हैं बार बार। तो ये अलग अलग वैरायटी है, देखिए एक अलग वैरायटी है, ये एक अलग वैरायटी है। देख सकते हैं आप कितने खूबसूरत इसके जो है कलर्स निकलते हैं कोलियस प्लांट के। ये देखिए आप देख सकते हैं ये एक और जो है छोटे से पॉट में लगा हुआ है और ये कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है, कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही है, कितना अच्छा चल रहा है ये आप देख सकते हैं। नॉट द लीस्ट ये आखिरी मेरा कोलियस का प्लांट है, ये भी ग्रीन कलर का प्लांट है। इसके अंदर कुछ व्हाइट स्पॉट्स भी आते हैं, ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। ये आप देख सकते हैं ये भी एक कोलियस का प्लांट है जो लगा हुआ है, ये भी बहुत खूबसूरत है और अच्छा लगता है। आज के लिए इतना ही।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको प्लीज़ शेयर करें और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियो के लिए मुझे बताएं कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए ताकि मैं वो वीडियोस आपको बना के दिखाऊं, कौन से प्लांट्स के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो मैं वो आपको बना के दिखाऊँ। और उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।